नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का सवाल है. क्वेश्चन से द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 3.3 × 10⁴ हर्ट्ज. इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 × 10⁴ हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल. सवाल है कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन विल बी. ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 5 वोल्ट. नाउ सवाल सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे हो सकता है अपने को करनी पड़ जाए. आइंस्टीन की इक्वेशन से चालू करते हैं जो कहती है के मैक्स विल बी इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट. के मैक्स को आप यहाँ लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू ई वी एस विच इम्प्लाइज आपका फाइनल स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू एच एफ माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय ई. अब यहाँ डेटा रख के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सो डेटा रखें तो एच की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³. अपने को फ्रीक्वेंसी दोनों की दी हुई है 8.2 और 3.3. तो ये हो जाएगा 8.2 माइनस 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴. हमने कॉमन ले लिया बाहर. डिवाइडेड बाय ई. ई जो आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको आप लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻¹. नाउ इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. 19 को ऊपर ले जाएं, माइनस 19 प्लस 19 हो जाएगा. ये 34 है, 14 है. तो ये बचेगा आपका 10⁻². ये जाके 19 हो जाएगा. सो 0.1 बचेगा. तो आपका जो फाइनल आंसर बचा वो बचा 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 8.2 में से आप 3.3 माइनस करें तो ये बचेगा 4.9 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻¹. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अपनी ऑलमोस्ट आ जाएगी. दिस विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट. राइट. 5 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 3.2 का फिगर आएगा. उससे 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 वोल्ट की वैल्यू आ जाएगी. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी 2 वोल्ट वुड बी द राइट आंसर.